नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं स्वपन यूट्यूब चैनल चेंज योर डेस्टिनी में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ राजेंद्र दुबे। आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश के इलेक्शन के बारे में और उत्तर प्रदेश का इलेक्शन में जो पार्टियां हैं किसके हाथ में सत्ता जाने वाली, या अखिलेश सरकार अपना झंडा गाड़ने वाले हैं या बीजेपी फिर से एक बार अपना कमल वहां पर स्थापित करने वाली है या मायावती की सरकार बनेगी। तरह तरह के क्वेश्चन सारे लोगों के बीच में चल रहे हैं, लेकिन ज्योतिष का अपना आकलन होता है, ज्योतिष के ग्रह साफ साफ इशारा कर देते हैं और पूरी जो राजनीति है उसके बारे में ग्रह इशारा कर देते हैं कि कौन सी सरकार के प्रबल कौन कौन से ग्रह देखे जाते हैं। तो आइए आज हम बात करने वाले हैं कि योगी आदित्यनाथ की कुंडली पर हम चर्चा करेंगे, क्योंकि अभी उन्हीं की सरकार है और वो वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, तो उनकी कुंडली क्या कहती है, उनके आकलन से हमें पूरी पूरी संभावनाएं दिखाई दे देगी कि वो सीएम पद पर बैठने वाले हैं या फिर सीएम की जो चेयर है उनको खाली करनी पड़ेगी। तो उनकी कुंडली के बारे में हम चर्चा करें तो 5 जून 1972 को उनका जन्म हुआ है दोस्तों। अभी वो उत्तर प्रदेश के सीएम हैं और उनकी कुंडली का आकलन करें तो उनकी जो राशि पड़ती है वो कुंभ राशि है और पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में आदित्य योगीनाथ जी पैदा हुए हैं। जो इलेक्शन उत्तर प्रदेश में होने के लिए जा रहा है तो योगी आदित्यनाथ जी की कुंडली क्या कहती है, तो जैसे हमने बताया कि कुंभ राशि है, पूर्वा भाद्रपद में नक्षत्र में उनका जन्म हुआ है। राशि में अगर आप देखें तो उनके जो राशि है वहीं पर गुरु बैठा हुआ है और गुरु वहां से पंचम स्थान में जहां पर मंगल और शुक्र की युति है वहां पर पूरी पूरी दृष्टि दिए हुए हैं। भाग्य स्थान पर भी गुरु की पूरी दृष्टि बनी हुई है। भाग्य मतलब भाग्य अगर सपोर्ट हो दोस्तों तो जीवन में बहुत सारी कठिनाइयों को आप मात दे सकते हैं। वही हालत योगी आदित्यनाथ जी का अभी दिखाई दे रहा है कि वही आशीर्वाद गुरु का उनको मिलने के लिए जा रहा है कि गुरु की दृष्टि भाग्य स्थान पर है। पंचम स्थान जनता का भी कहा जाता है, वहां पर भी उनकी गुरु की दृष्टि पड़ी हुई है। तो कुल मिलाकर के मंगल और शुक्र से गुरु का नवपंचम योग बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर हम मार्च की आकलन करें तो रवि उनका चतुर्थ स्थान में बैठा हुआ है, तो रवि से रवि का योग भी 3 और 11 का बन रहा है जो कि ये बहुत ही शुभ कहा जा सकता है। तो रवि ही अगर देखें तो सरकार का कारक भी कहा जाता है। तो इसके हिसाब से हम देखें तो बहुत ही अच्छी स्थिति ये बनने के लिए जा रही है। अब शनि की हम बात करें तो शनि उनका जो कुंडली में है वो चतुर्थ स्थान में है और अभी गोचर में जो है वो उनका मकर राशि में बैठा हुआ है। अगर हम शनि की बात करें तो शनि उनके चतुर्थ स्थान में बैठा हुआ, गोचर की अगर हम बात करें तो उनके 12वें स्थान में जाकर के बैठा है। तो शनि की भी हम अगर आकलन करें तो नौ पंचम योग बना रहा है, ये भी एक उनकी पत्रिका में बहुत शुभ स्थिति बन रही है। जैसे हमने बताया गुरु की बात कर ली, रवि की बात कर ली और शनि का जो हमने देखा कि नौ पंचम योग बना हुआ है। और शनि की अगर हम बात करें तो आप देखिए 12वें स्थान से वो 6ठे स्थान पर दृष्टि करा, 6ठे स्थान शत्रु का है, तो आप मान के चले कितने भी चैलेंज अगर इनके लाइफ में आए तो इलेक्शन में शनि की जो दृष्टि है वो शत्रु स्थान पर है, तो इतना मान के चलना है कि शत्रु परास्त होने की पूरी पूरी संभावना इस पत्रिका में बनी हुई है। जो हम मोटा मोटा आकलन कर रहे हैं, रवि की स्थिति, शनि की स्थिति, गुरु की स्थिति, गुरु और मंगल और शुक्र की नवपंचम योग, ये इतनी सुखद स्थिति है दोस्तों कि अगर हम आकलन कर रहे हैं एक कुंडली का तो ग्रह साफ साफ इशारा कर रहे हैं कि जीत जो है वो भाजपा की ओर ही दिखाई दे रही है दोस्तों। इसका मतलब ये है कि आदित्य योगीनाथ जी फिर से एक बार सीएम बनते हुए इस कुंडली में इशारा पूरी तरीके से साफ ग्रह इशारा कर रहे हैं। इसके ऊपर हम एक और भी आगे वीडियो बनाने वाले हैं। अगर हम देखें 2024 के बाद इनकी दशा में बड़ा परिवर्तन हो रहा है, तो इनका जो विराट स्वरूप है वो 2024 के बाद आपको देखने के लिए अवश्य मिलेगा। लेकिन आज की जो पोजीशन है 2022 की इलेक्शन की बात करें दोस्तों, तो शनि गुरु और रवि का इतना प्रबल अच्छा योग बना हुआ है कि जनता इनको स्वीकार करेगी। कहीं ना कहीं थोड़े प्रॉब्लम इनको फेस करने पड़ सकते हैं, थोड़ी इनको अपमान भी सहना पड़ सकता है, लेकिन कुल मिलाकर के अगर हम ग्रहों की बात करें तो मुझे ऐसा लगता है कि 2022 फिर से बीजेपी वहां पर पताका अवश्य अपना लहराएगी और योगी आदित्यनाथ फिर से एक बार सीएम पद पर विराजमान होने की पूरी पूरी संभावनाएं बन सकती है। अब तो देखना है दोस्तों, रिजल्ट की हम जरूर वेट करेंगे, लेकिन ग्रह साफ साफ हमें इशारा यही कर रहे हैं कि फिर से एक बार उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार आती हुई दिखाई दे रही है। तो दोस्तों आप कमेंट्स बॉक्स में हमें लिख सकते हैं
और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद। नमस्कार।